नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में शहर से घर वापस लौट रहे बाइक सवार चार युवकों को बेकाबू अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर बाइक सवार सभी व्यक्ति सड़क पर जा गिरे, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के गाँव दौलतपुर निवासी कल्लू पुत्र सुखबीर व इलाहाबाद निवासी अपने दो सालों में एक अन्य रिश्तेदार के साथ सोमवार को बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर से गांव दौलतपुर वापस आ रहा था। जैसे ही वह मुजफ्फरनगर जोली मार्ग पर बायपास के समीप पहुंचे, तो सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सभी व्यक्ति सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां गांव दौलतपुर निवासी कल्लू व इलाहाबाद निवासी उसके साले भिंडी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दो की हालत को गंभीर देखते हुए मुजफ्फरनगर के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मृतक कल्लू के शव को पोस्टमार्टम के बाद गांव में लाया गया, जहां परिजनों व रिश्तेदारों का रो रोकर बुरा हाल है। गमगीन माहौल में कल्लू के शव का अंतिम संस्कार किया गया। ये हमारे परिवार से थे जी, कल्लू भाई। ये मुजफ्फरनगर कुछ जरूरी काम गए थे, इनके साथ इनके दो साले थे जी, एक लड़का और था, चार लोग थे। उधर से जब काम जरूरी करके ये लौटे तो बाईपास पे मुजफ्फरनगर तेज वाहन आ रहा था चार पहियों का जी, उससे उनकी दुर्घटना हो गई। मौके पे ही दो तो मौत हो गई थी, दो गंभीर रूप से घायल है। पोस्टमार्टम हो गए जी हाँ। आगे की पुलिस कार्रवाई जी, केस दर्ज करा दिया हमने, नई मंडी में करा दिया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।